हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो आज का सेशन होने वाला है कैसे आप लोग बनने वाले हो मैथ्स के मास्टर सो so, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ज्यादा मैं लेंदी नहीं करूंगी वीडियो आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स दूंगी जो कि आप स्टार्ट करोगे अपने में इम्प्रूवमेंट लाना एंड उसमें आप फिर बनोगे मैथ्स के मास्टर ठीक है अच्छा वीडियो को पूरा देखना वीडियो में छोटा सा एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए जिसको देखे एम श्योर sure आप लोग खुश होने वाले हो सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं पहला है प्रैक्टिस 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 तो जब भी मैं मैथ्स की बात करती हूँ बहुत बच्चों को देखा है कि यार सुबह ना फटाफट से एक ओरल रिवीजन कर लेते हैं या ये चैप्टर तो इजी है इसको मैं आंसर सॉल्यूशंस पढ़ लेती हूँ मुझे याद रहेंगी नहीं करना ऐसा चाहे छोटा सा छोटा सिंपल सा सिंपल चैप्टर लगे आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक मैथ्स के क्वेश्चन आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे दिमाग में से नहीं होंगे आप जितना मर्जी कर लो कि टीचर्स ने मैंने पढ़ लिया मुझे नहीं आप कभी भी मैथ्स में अच्छे नहीं हो पाओगे सो इसमें अपनी नोटबुक्स करने से लग जाओ रजिस्टर्स कर लो एंड उनको भरना शुरू कर दो चाहे गंदी से गंदी हैंडराइटिंग में करो लेकिन एक एक क्वेश्चन की रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है ठीक है सो पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना दूसरा है जी क्वांटिटी ओवर सॉरी क्वांटिटी और क्वालिटी सो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि आपको ये डिसाइड करना है मैथ्स में कि आपको भैया क्वांटिटी चाहिए बस या क्वालिटी स्टडी चाहिए जैसे कि मैंने देखा बच्चों को कमेंट्स में बहुत देखती हूँ कि मैम आप ये वाली बुक के सॉल्यूशंस करा दो मैम ये वाली बुक के करा दो मैम ये वाली रेफरेंस बुक है मैम ये हेल्प बुक है मैम ये वाली बुक, बुक है इसके सोल्यूशंस करा दो ये चीज नहीं करनी हमें सिर्फ क्वान्टिटी नहीं बढ़ानी कि मैं छह सात बुक्स में से

पैटर्न के क्वेश्चन होने चाहिए कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए हर चैप्टर के क्वेश्चन होने चाहिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सो so, उन सब चीजों के लिए हमेशा मैं आपको एडू कार्ड की जो क्वेश्चन मांगे वो रिकमेंड करती हूँ सो so, इस तरह का है और वीडियो में जो सरप्राइज एलिमेंट था वो भी यही है क्योंकि मैंने पहले भी एडोकार्ड की बुक्स काफी बार विडियोज में रेफर करी है तो उसमें मैंने कमेंट्स में देखा बच्चों ने कहा मैम थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है बुक्स परचेज तो करनी है बट थोड़ी महंगी है सो so, उसी के लिए अभी आज और कल में अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो फोर्टी डिस्काउंट आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरा बंडल परचेज कर लो फोर्टी परसेंट ऑफ दैट्स अूज डिस्काउंट सो आप लोगों को अब जाके बुक परचेज कर सकते हो और ये मैंने खुद पर्सनली बात करी है कि

हो जाए ठीक है लास्ट पॉइंट यहां पे मैथ्स के मास्टर बनने में अंडरस्टैंडिंग ओवर क्रैंपिंग नाउ वट इज अच्छा कैंपिंग क्या होता है रटना जैसे मोस्टली क्या करते हैं साइंस में जो थ्योरी वाले चैप्टर्स है या इंग्लिश में हम रट लेते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर रट लिया मैथ्स में ये नहीं चलता मैंने लिटरली देखा है बच्चों को कि मैथ्स में भी वो आंसर रट रहे हैं कि हाँ मैम ने ये स्टेप बोला था जैसे ये है इसमें पहला स्टेप ये लिखना है फिर ये करना है फिर ये करना है सिर्फ नंबर और कैलकुलेशन ही चेंज होंगी ऐसा नहीं है आप मैथ्स में रट नहीं सकते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है तो तो अगर आपका क्लियर होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है आपको पता होगा क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपको कैसे आंसर करना है सो so, इसीलिए मैथ्स में आपको अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग करनी है क्रम्पिंग नहीं चलेगी बिल्कुल जो अगर एक दो बच्चे भी अगर यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं जो अगर क्या हो की मैम एक दो क्वेश्चन रटते हैं रटना बिल्कुल छोड़ दो अपना कंसेप्ट क्लियर करो कंसेप्ट क्लियर होगी वैसे भी अब कंपेंडेंसी के बेस्ड क्वेश्चन है सो वो तभी कर पाओगे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे ठीक है सो ये जो मैंने चीजें बताई है ये आपको अब आप फॉलो करनी है तभी आप बनोगे मैथ्स की बादशाह ठीक है ना सो मैं चाहती हूँ आप सब बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करो क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हो सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो इन चीजों को फॉलो करो आगे भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत टिप्स लाती रहूंगी ताकि आप लोग मैथ्स में बहुत अच्छा मैथ्स के सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको ठीक है so, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में देन डू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो जो बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया वहां से आप बुक्स को परचेज कर सकते हो एंड अपना मैथ्स और बाकी सभी सब सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो